नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है मुकेश जी ब्लॉग चैनल पर। दोस्तों, आपकी डिमांड के अनुसार फिर से मैं यादव ट्रैक्टर मंडी के ऊपर आ गया हूं, कि आपके बहुत सारे कॉल और कमेंट आ रहे थे कि भाई यादव ट्रैक्टर मंडी पर जाके वीडियो बनाइए। तो आप वीडियो एंड तक देखना, आज बहुत ही शानदार स्टॉक लेके आया हूँ। ऑल मिस्ट का स्टॉक है किसान भाइयों, 1980 मॉडल से लेकर 2022 मॉडल तक के ट्रैक्टर मिलने वाले हैं और पूरे ट्रैक्टर अच्छे कंडीशन के मिलने वाले हैं किसान भाइयों। तो आप वीडियो एंड तक देखना, वीडियो में से पूरी कंडीशन बताई जाएगी भाई मॉडल कौन सा है, प्राइस क्या रहने वाली है, लोन होगा या नहीं होगा, कागज़ कंप्लीट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ के आप मालिक हैं उनसे भी मिला देंगे, तो ट्रैक्टर भी पूरी कंडीशन दिखाएंगे भाई, टायर कितने परसेंट है, इंजन का कितना परसेंट है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो में जरूर बने रहना। तो यहाँ के जो मालिक उनसे मिलाते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो। आपका स्वागत है सर, हमारे श्री कृष्ण यादव ट्रैक्टर मंडी के अंदर। हाँ जी सर, आपको जो पिछला वीडियो था आप जो बना के गए, तो उसका बहुत ही प्यारा रेस्पॉन्स मिला है। हाँ जी सर, और राजस्थान के जो किसान भाई है दूर दूर से, जो हर जिले से आए हैं, तो काफी ट्रैक्टर हमारे से यहाँ खरीद के लेके गए हैं और बहुत ही प्यारा रेस्पॉन्स मिला है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ठीक है, डेली किसान भाई हो आप, आपके प्यार से इतना बड़ा रेस्पॉन्स मिला है हमें, तो आगे भी जो ये वीडियो बनाना है इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना, आप बहुत प्यार दिखाना। सर हमारा जो आज कौन कौन से ट्रैक्टर दिखाने वाले हैं किसान भाई, आज हम दिखाना चाहेंगे 1980 मॉडल से लेके 2022 तक के टोटल मेसी ट्रैक्टर दिखाएंगे सर आज आपको, और पूरा नया स्टॉक मिलेगा, फ्रेश ट्रैक्टर मिलेंगे, नए टायर मिलेंगे, और सर ट्रैक्टर के साथ साथ आज कल्टी भी दिखाई जाएगी, और साथ में ट्रैक्टर के साथ हम हल, टैंकर ट्रॉली और साथ ही जीप गाड़ी वगैरह, पिकअप वगैरह सब रखते हैं सर। सभी रखते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जो हमारे किसान भाई आएंगे उनके लिए क्या क्या सुविधा मिलने वाली है यहाँ पे? सुविधा देखें तो सबसे पहली बात है, जो ज़्यादातर किसान भाई है वो लोन के लिए बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भाई फाइनेंस होगा नहीं होगा? हाँ, तो फाइनेंस तो हमारे जो 2008 मॉडल से लेके 2022 तक मॉडल है सब पे फाइनेंस हम करा देंगे, और जैसे जो नीचे मॉडल है उस पर हम फाइनेंस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस फाइनेंस में कोई मतलब नहीं होता, बहुत कम फाइनेंस होता है उस पर, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, तो उसमें कोई मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से, तो उस पर फाइनेंस नहीं कराए जो बेटर है, लेकिन 2008 से लेकर 2022 तक मॉडल है उस पर फाइनेंस कराए तो वो बेस्ट है हमारी तरफ से। और सर जो फाइनेंस का जो ब्याज कितना लगेगा फिर? ब्याज सर मिनिमम करवाएंगे बिल्कुल 70-80 पैसे से लेके, और परसेंट में बात करें तो 7-8-9% के अंदर हम सारे बैंकों से हमारा टाई अप है। और जो भी किसान राजस्थान के जो किसान भाई है दूर दूर जिले से आते हैं, सीकर से आते हैं, चूरू से आते हैं, नागौर से आते हैं, बीकानेर से आते हैं, जोधपुर से, टोंक से, तो सबको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो भी ट्रैक्टर वो लेंगे उस पर हम लोन करवा देंगे। करवा दोगे बिल्कुल सर? जो हमारे यानी कि दिन के कितने ट्रैक्टर सेल होते हैं यहाँ पे? डेली के सर हम 3 से 4 ट्रैक्टर डेली के हम सेल करते हैं सर। और ये जो ट्रैक्टर का काम करते कितना साल हो गया आपको? सर इसको 30 से 40 साल हो गया, बहुत पुराना बिजनेस है हमारा ट्रैक्टरों का, और काफ़ी दूर के किसान भाई है, राजस्थान के अलावा MP, UP, हरियाणा के किसान भाई हमसे ट्रैक्टर लेके जाते हैं सर। डेली किसान भाई हो, आपको पूरा अच्छा व्यवहार मिलेगा यहाँ पे, आपका मान सम्मान भी रखा जाएगा, आप यानी अच्छा आपका ट्रैक्टर चलाइए, चेकआउट कीजिए, अगर ट्रैक्टर आपको पसंद आता है तो आप ट्रैक्टर ले जाके लेके जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से 3 से नहीं 4 बार चला के देखिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर 2 बार नहीं 3 बार नहीं 10 बार चलाइए देखिए, और ऐसे नहीं कि 1 बार में लेके जाइए, 2 बार देखिए, दूसरे दिन आइए, तीसरे दिन आइए, चौथे दिन आइए, जिस दिन आपका मन बढ़ जाए उस दिन आप ट्रैक्टर ले जाइए। ठीक है सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, जो ये लोन की सुविधा है जो राजस्थान के किसान भाई के लिए या बाहर के किसान? नहीं नहीं सर, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए, बाहर के सर बहुत दिक्कत आती है वहाँ की, जो पहली बात NOC के बेस पे जाते हैं ट्रैक्टर वहाँ के, जब भी वहाँ का लोन क्लियर हो पाता है, बिना NOC बेस पे सर वहाँ का लोन नहीं हो पाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने बोला था कि दिक्कत आती है, और इस वीडियो में मैं बोलूंगा कि बाहर के जो किसान भाई है उनको कैश में लेना पड़ेगा सर ट्रैक्टर यहाँ। ठीक है सर, चलो आज का स्टॉक हम दिखाते हैं सर, इस ट्रैक्टर के बारे में बताइए आप। सर सबसे पहले बात करता हूँ, ये 2008 मॉडल है, DI 1035 है। हाँ जी सर। और सर 2008 मॉडल है, इसकी बहुत ही मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस ट्रैक्टर की सर, क्योंकि राजस्थानी ट्रैक्टर, राजस्थानी जो किसान भाई अधिकतर गोल शेप के ट्रैक्टर खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गोल शेप के खरीदते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो 6, 7, 8 का जो मॉडल आता है DI 1035 के अंदर, हाँ जी, इनका सर मार्केट ही बहुत ज्यादा है सर। जी जी बिल्कुल, इनको तो सर देखिए कि अगर ये जो 8 मॉडल है ना, हाँ जी, ये 1 से 2 दिन भी हमारे पास से खड़ा नहीं मिलेगा, ये आज ही ट्रैक्टर आया है और आज और कल में ये ट्रैक्टर बिक जाएगा सर, इसकी इतना ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी क्या डिमांड रखी है फिर आपने? सबसे पहले तो मैं इसकी सर ट्रैक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ जी बता दो। ट्रैक्टर की सर ये गोल शेप में है, DI 1035 है, पिछले टायर करीबन 70 पैसे है, आगे के टायर करीबन 70 पैसे है सर, और इंजन की बात करें तो इंजन इसका 70-80 पैसे इंजन है सर, और सर इसकी डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों के लिए 2,85,000 मात्र शोरूम कंडीशन ट्रैक्टर है। 2022 ट्रैक्टर को देख लीजिए और 2008 को मॉडल को देख लीजिए,
सेम कंडीशन मिलेगी दोनों की, यानी 2022 की प्रॉपर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंडीशन इसकी बहुत तगड़ी है सर। हाँ जी, और सर जो इस पे लोन की सुविधा भी हो जाएगी? लोन सर इस पे सुविधा हो जाएगी सर, इस पे लोन करवा देंगे सर हम। ठीक है सर, और नंबर कहाँ की इसके? इसके नंबर सर RJ19 जोधपुर के नंबर में, जोधपुर नंबर में। देख लीजिए सर, मैं बिल्कुल शोरूम कंडीशन का ट्रैक्टर है, 2008 मॉडल ट्रैक्टर, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, जो बहुत ज्यादा रहती है, 6-7-8 की सर डिमांड बहुत ज्यादा है सर, यहाँ पे राजस्थान के अंदर सर, राजस्थान किसान भाई खेती के लिए इस ट्रैक्टर को यूज करते हैं। बिल्कुल, और एवरेज के अंदर सबसे बेस्ट माना जाता है 6-7-8 मॉडल सर, खेती के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है सर, 10-35 DI गोल बोनेट के अंदर। ठीक है सर, अगला ट्रैक्टर बताइए सर। सर अगला ट्रैक्टर है ये 2009 मॉडल है। हाँ जी सर, DI 10-35 गोल बोनेट के अंदर है। हाँ जी, नंबर की बात करें तो RJ23 नंबर इसके सिक्कर नंबर मिलेंगे। टायरों की बात करें तो सर पिछले टायर तो एकदम फ्रेश है इसके, आगे भी एकदम फ्रेश है। बॉडी लाइन की बात करें तो बॉडी लाइन एकदम ओके है इसकी। हाँ जी सर, और डिमांड की बात करें तो इसकी हम डिमांड करते हैं 2,90,000 रुपये। 2,90,000 रुपये। देख लीजिए किसान, किसान भाई 2,90,000 में ट्रैक्टर आपको मिल रहा है किसान भाई। बिल्कुल सर, हमारे जो किसान भाई आएंगे तो उनका मान सम्मान रखा जाएगा? बिल्कुल सर, मान सम्मान करेंगे सर, आपका वीडियो देख के आएगा सर तो उसका सर 2,000 रुपये, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा सर। जो वीडियो देख के आएगा उसका 2,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। देख लीजिए सर, आप वीडियो देख के वीडियो का स्क्रीन शॉट लेके इनके पास आ जाइए सर। बिल्कुल, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आइए सर, इसकी क्या डिमांड बताई? 2,90,000। 90,000 सर, ये ट्रैक्टर बहुत ओरिजिनल ट्रैक्टर है सर, कहीं से भी रिपेयर नहीं है, इससे थोड़ा सा इसका डिमांड ज्यादा है। हाँ जी, इस वजह से डिमांड थोड़ी इसकी ज्यादा है, नहीं तो सर ये जो नो मॉडल है ये 2,70,000 में मिल जाता है, 60 मिल जाता है। हाँ जी, इस ट्रैक्टर की बॉडी लाइन, इंजन, टायरों की वजह से और नंबर की वजह से इसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है सर। नंबर कहाँ की से? RJ23 सिक्कर नंबर मिले, सिक्कर नंबर है। बिल्कुल ठीक है सर, इसके बारे में बताइए सर। ये 2010 मॉडल है। हाँ जी सर, DI 10-35 गोल्ड बोनेट के अंदर है। नंबर की बात करें तो RJ07 बीकानेर के नंबर है। हाँ जी सर, टायरों की बात करें तो पिछले टायर इसके 50 पैसे मिलेंगे। हाँ जी, और आगे के टायर करीबन इसके मिलेंगे नए टायर है, बराबर है, बिल्कुल नए लग रहे हैं टायर है। और जो बॉडी कलर कोई रिपेंट तो नहीं? कहीं से रिपेंट नहीं है। शेप की बात करें तो पूरा ओरिजिनल शेप है। हाँ जी सर, कहीं से रिपेंट नहीं है, शोरूम कंडीशन फैक्टर है। हाँ जी, और डिमांड की बात करें तो ये दे देंगे 2,75,000 के अंदर। 2,75,000। बिल्कुल सर, देखिए किसान भाई 2,75,000 मिल रहा है। किसान भाई आपकी डिमांड के अनुसार मैं ट्रैक्टर लेके आया हूँ, आप बहुत सारे डिमांड करें भाई गोल शेप के अंदर ट्रैक्टर दिखाइए, खेती के लिए पूरे ट्रैक्टर खेती के लिए है किसान भाई। खेती के लिए ही रखते हैं सर ट्रैक्टर, नहीं तो ट्रैक्टर हमारे पास महिंद्रा, सोनालिका, फार्म ट्रैक ये भी रहते हैं, लेकिन इनकी सर मार्केट वैल्यू नहीं है और खेती के अंदर ये बेस्ट नहीं माने जाते, खेती में ये सक्सेस नहीं है ट्रैक्टर। खेती के लिए जो DI ट्रैक्टर है MSC के अंदर, ये बेस्ट माने जाते हैं सर। पिछले वीडियो में मैंने कहा था और अभी मैं कहूँगा, ट्रैक्टर ले जाओ खेती के लिए तो MSC ले जाना सर। एवरेज के अंदर बात करें तो बहुत बढ़िया है, रिसेल के अंदर बात करें तो रिसेल वैल्यू उसकी कभी भी बेच सकते हो, जिस रेट में आप लेके गए हो ना उस रेट में हम वापस भी ले लेते हैं। आप ले लेते हो? ले लेते हैं सर, जो भी जो इसके अंदर खर्चा होता है वो माइनस कर लेते हैं, और उसके अलावा जो भी जिस रेट में हम बेचते हैं उस ट्रैक्टर के अंदर उसी रेट के अंदर हम वापस भी ले लेते हैं। देख लीजिए किसान भाई इतना बड़ा ऑफर है कि अगर आप ट्रैक्टर लेके जाते हो यहाँ पे, अगर वापस भेजना भी चाहते हो उनको भेज सकते हो। देख लीजिए किसान भाई, ठीक है सर, इसके बारे में बताइए सर। बात करें तो ये 2012 मॉडल है। 2012 DI 10-35 गोल्ड बोनेट के अंदर है। हाँ जी, शोरूम कंडीशन ट्रैक्टर बिल्कुल 2022 की तरह लग रहा है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है, कहीं से भी रिपेयर नहीं है सर ये। हाँ जी, टायरों की बात करें तो पिछले टायर इसी के करीबन 90-95 पैसे नहीं बराबर है। हाँ जी सर, और आगे की बात करें एकदम नए फ्रेश टायर है सर इसके। हाँ जी, कहीं से रिपेंट नहीं है, बॉडी लाइन ओके सर। हाँ जी सर, और नंबर की बात करें तो ये इसके नंबर है RJ21 नंबर, नागौर के नंबर है सर ये। नागौर में? बिल्कुल बिल्कुल सर। डिमांड क्या है बताइए इसकी? इसकी डिमांड है सर 3,05,000 रुपये। 3,05,000 रुपये। और शोरूम कंडीशन का ट्रैक्टर किसान भाई हो? शोरूम ट्रैक्टर, आप वीडियो में देख रहे हो, बताने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे दिख रहा है, जरूरत ही नहीं है सर, वीडियो के अंदर दिख ही रहा है पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर। 2022 की बराबर लग रहा है ट्रैक्टर पूरा सर। 22 भी अभी दिखाएंगे आपको ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर दोनों देख ले, मैच कर लेना। हाँ जी, उसको फेल कर देगा सर ये ट्रैक्टर, नहीं लग रहा ना, शोरूम कंडीशन ट्रैक्टर सर। सर इसके बारे में बताइए सर। ये 2013 मॉडल है। 2013 DI 10-35 गोल्ड बोनेट के अंदर है। हाँ जी सर, नंबर की बात करें तो इसके नंबर मिलेंगे RJ23 सिक्कर नंबर मिलेंगे। हाँ जी सर, टायरों की बात करें तो पिछले टायर है इसके करीबन 90 पैसे टायर है। हाँ जी सर, और आगे की बात करें तो 60 पैसे टायर है इसके। हाँ जी सर, और बॉडी लाइन ओके है सर, पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है।
और डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों के लिए 3,35,000 रुपये, 3,35,000, बिल्कुल बिल्कुल। और लोन हो जाएगा इसमें? लोन सर इस पे भी हो जाएगा, 12 मॉडल पे भी हो जाएगा, 10 मॉडल पे भी हो जाएगा, 8 पे भी हो जाएगा, जितने भी ट्रैक्टर दिखाए सब पे लोन हो जाएगा सर। रैली के सर्विस भी ट्रैक्टर पे लोन हो जाएगा और ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा, मान सम्मान करा जाएगा। और जो वीडियो देख के आएगा, मैंने बोल दिया 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट उनके लिए। देख लीजिए किसान भाई, आपको अगर वीडियो देख कर आ रहे हो तो 2,000 का अलग से डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए आप। सर इसकी बात करें तो ये 2017 मॉडल है। हाँ जी सर। DI 1035 गोल बुलेट के अंदर है। हाँ जी। टायर सर कंपनी के साथ के टायर है अभी भी। हाँ जी सर। और अगले टायर भी इस कंपनी के साथ के हैं। हाँ जी। पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है, कोई रिप्रिंट नहीं है, कहीं से रिप्रिंट नहीं है। और चलने हुए की बात करें घंटे तो ये करीबन 1100 घंटे चला हुआ है, मात्र 1100 घंटे चला हुआ है। हाँ जी। और नंबर की बात करें तो इसके नंबर है 8644। हाँ जी। सुजानगढ़ चूरू के नंबर है इसके। हाँ जी। और डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों के लिए दे देंगे मात्र 3,90,000 रुपये में। 3,90,000 में 17 मॉडल सर, पूरे जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर आपको इससे सस्ता कोई नहीं देगा सर। आपको इस मार्केट के अंदर कोई इससे सस्ता ट्रैक्टर आपको नहीं देगा। 17 मॉडल सर, 17 मॉडल सर। नया कितने आ रहा है फिर? ये नया सर अभी आ रहा है जयपुर के अंदर, 6,25,000 के समथिंग आ रहा है सर। यानी कि 3,00,000 का फायदा होगा किसान को। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर, टायर भी सर कंपनी के साथ के अभी चला हुआ, बिल्कुल 1100 घंटे चला हुआ है। 1100 घंटे बिल्कुल शोरूम कंडीशन लग रहा है सर। देख लीजिए किसान भाई, ये ट्रैक्टर बिल्कुल शोरूम कंडीशन है, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल टायर भी अच्छे कंडीशन के हैं और इंजन भी अच्छा है। इंजन सर देखने की जरूरत नहीं, देख क्यों 1100 घंटे चला हुआ, क्या क्या बढ़ेगा इंजन? इंजन कुछ भी नहीं बिगड़ा सर। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए सर। ये है 2020 मॉडल है सर। हाँ जी। DI 1035 गोल बोनेट के अंदर, टायर कंपनी के साथ के सर अभी भी। हाँ जी। 90 पैसे कंपनी के साथ के टायर है, अगले भी कंपनी के टायर के साथ है। हाँ जी। और बॉडी लाइन कहीं से रिपेंट नहीं है, बोनेट कहीं से रिपेंट नहीं है, पूरा जो ट्रैक्टर है पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है। नंबर की बात करें तो इसके RZ44 सुजानगढ़ चूरू के नंबर मिलेंगे। हाँ जी सर। और चले हुए की बात करें तो ये करीबन 700-800 घंटे चला हुआ है। मात्र 700-800 घंटे, बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं बहुत कम चला हुआ ट्रैक्टर है। और सर जी, ये ट्रैक्टर मिलने वाले में कोई चेंजिंग थोड़ी मिलेगा? बिल्कुल सर, कोई भी चेंज नहीं है। ऊपर से जो भी इसमें जो सामान लगा हुआ नहीं है वो हम भी लगा के देते हैं। छतरी ट्रैक्टर में नहीं लगी हुई आती तो हम छतरी भी लगा देते हैं। हाँ जी। और हुक प्लेट वगैरह, पार्टियां वगैरह, जो भी सामान नहीं होता हम लगा के देते हैं। लगा के देते? बिल्कुल सर बिल्कुल। और जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो ट्रैक्टर मिलने वाला है? वही सर, वही ट्रैक्टर मिलेगा, वही रेट मिलेगी। ऐसे नहीं है कि जो रेट यहाँ पे दिखाई जा रही है और यहाँ आने के बाद दूसरी रेट मांगी जाएगी, यहाँ पे जो वीडियो में दिखाई वो दूसरी रेट, वो सर वो बिल्कुल फर्क नहीं होगा। जो रेट आपको दिखाई जा रही है वही रेट बता रही है, वही सर होगी। और मान सम्मान आपका रखेंगे सर, सर। क्योंकि किसान भाई है, काफी दूर से आते हैं, दूसरे जिले से आते हैं, कई बार तो राजस्थान, आउट ऑफ राजस्थान से भी आते हैं सर। तो ऐसे चिटिंग नहीं करते सर, हमारा फैमिली बिजनेस है, काफी पुराना बिजनेस है, तो ऐसे चिटिंग करते हैं तो इतने से 30-40 साल से हम बिजनेस नहीं कर पाते सर। कागजों की बात करें तो कागज ओके मिलेंगे सर, कागजों में कोई छेड़छाड़ नहीं मिलेगी। हाँ जी। कहीं से भी आप उसको चेक करवाइए, कागजों में कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी सर। लोन वगैरह है, लोन सब पे हो जाएगा, जितने मैंने ट्रैक्टर दिखाए सब पे लोन हम करवा देंगे। राजस्थान के बाहर ट्रैक्टर जो भी लोन है किसान भाई उनका सर लोन नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। NOC बेस भी जाता है ट्रैक्टर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उस पर लोन नहीं हो पाएगा। राजस्थान के अंदर जो भी किसान भाई है उसका हम लोन करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। आपका ये जैसे का प्रोफाइल ओके नहीं होता सर, उनका लोन नहीं हो पाता। अच्छा। वैसे हम करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, कम से कम ब्याज के अंदर कोशिश करते हैं और सारे बैंकों से कोशिश करते हैं। ठीक, देख लीजिए किसान भाई, आपका आपसे व्यवहार अच्छा रखा जाएगा, जैसे फैमिली में व्यवहार रखा जाता ना वैसा व्यवहार मिलेगा आपको। ऐसा व्यवहार है सर, ऐसे नहीं है कि जो चिटिंग वगैरह, कोई भेदभाव नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, भेदभाव नहीं मिलेगा सर। देख लीजिए किसान भाई, और इससे सस्ता कोई ट्रैक्टर नहीं मिलेगा जयपुर के अंदर, इससे हमारे सस्ता ट्रैक्टर कोई भी नहीं देगा आपको सर। देख लीजिए किसान भाई, और परिवार की तरह आपको व्यवहार मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए। ये सर 2014 मॉडल है। हाँ जी सर। ये 1035 गोल बोनेट के अंदर है। हाँ जी सर। 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आता है, खेती के अंदर सबसे बेस्ट माना जाता है। एवरेज की बात करें तो सबसे बेस्ट एवरेज दिया जाता है। हाँ जी सर। और टायर की बात करें, हाँ जी, पिछले टायर भी नए हैं, आगे के टायर भी नए हैं। हाँ जी। और सर टायर रिमोंड है या फिर नहीं है? नहीं नहीं सर, ओरिजिनल ट्रैक्टर, ओरिजिनल टायर है, C8 के टायर है सर। हाँ जी सर। अगले टायर जो MRF के हैं जी सर। और नंबर की बात करें तो ये इसके RJ21 नंबर, 21 नंबर इसके RJ21 नागौर नंबर है सर। और डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों को दे देंगे हम ये ट्रैक्टर 3,50,000 के अंदर, मात्र 3,50,000 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, शोरूम कंडीशन ट्रैक्टर है, कहीं से रिपेंट नहीं है, बॉडी लाइन इसकी ओके है और लोन वगैरह इस पे हम करवा देंगे।
और सर आप यानी आप किसान भाई आपका 350,000 में ट्रैक्टर मिलने वाला है और आपका मान सम्मान भी रखा जाएगा। मान सम्मान भी कर देंगे सर। ठीक है सर, मान सम्मान ऑन टेबल हम कर देंगे सर। ऑन टेबल जो होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा। जो ये जितने भी ट्रैक्टर दिखाए हैं मैंने वोल्वो नेट के अंदर दिखाए हैं 1035 DI के अंदर जो 35 HP के अंदर आते हैं, खेती के अंदर सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अब हम बात करने जाएंगे चोको ओपोनेट के अंदर, ये लोडिंग पे चलता है। हाँ, लोडिंग के लिए भी है जो DI 1035 है सर, 39 HP में आता है। हाँ जी सर, ये लोडिंग के लिए और खेती के लिए दोनों ही बेस्ट माना जाता है। हाँ जी सर, ये चोकोर बोनेट है, इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा है यहाँ पे जयपुर के अंदर, राजस्थान में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये चोकोर की भी बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस वजह से हमको ये ट्रैक्टर भी रखना पड़ता है। हाँ जी सर, इसकी बात करें तो ट्रैक्टर की टायर इसके करीबन नए हैं, इसके ओरिजिनल टायर है C8 के हैं, आगे के टायर 80-90 पैसे MRF के हैं। हाँ जी सर, और नंबर की बात करें तो इसके नंबर है RJ19 नंबर, जोधपुर के नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी सर, और डिमांड की बात करें हाँ जी तो ये हम दे देंगे किसान भाइयों को 3,35,000 के अंदर। 3,35,000 शोरूम कंडीशन ट्रैक्टर है, बॉडी लाइन इसकी ओके है, कहीं से रिपेयर नहीं है। 3,35,000 के अंदर हम ट्रैक्टर दे देंगे। लोन वगैरह की पूरी फैसिलिटी है, लोन वगैरह हम करवा देंगे। इसमें भी लोन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, लोन वगैरह इस पे भी हो जाएगा। लोन वगैरह जितने भी ट्रैक्टर दिखाए सब पे लोन करवा देंगे सर। सर एक चीज बताओ, एवरेज में यानी गोल से अच्छा रहता है या चौकोर रहता है? तो खेती के अंदर बात करें तो गोल शेप बेस्ट है। हाँ जी, और लोडिंग के लिए थोड़ा सा बात करें तो ये बेस्ट है। अच्छा, लोडिंग में ये बेस्ट है। लोडिंग खेती दोनों के लिए बेस्ट माना जाता है सर। ये प्लस पॉइंट है कि खेती और लोडिंग के लिए कोई ले जाना चाहता है किसान भाई जो ये चौकोर बनेट के अंदर ले जाइए। डिमांड क्या बताइए? 3,35,000 सर। 3,35,000 बिल्कुल। डेली किसान भाई अगर आप लोडिंग में और खेती में के लिए यूज में लेना चाहते हो ट्रैक्टर तो ये ट्रैक्टर खरीदिए। बिल्कुल ठीक है सर। 241 के बारे में बताइए आप। 241 है सर, ये 42 HP के अंदर आता है। हाँ जी सर, ये लोडिंग के अंदर मेसी के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट इसका ही है सर। हाँ जी, लोडिंग में, लोडिंग के लिए ये माना जाता है सबसे बेस्ट। और चोको बनेट के अंदर DI 241 है। हाँ जी, टायर की बात करें तो जो पीछे के टायर है हाँ एकदम फ्रेश है। हाँ जी, आगे के टायर बात करें तो करीबन 70 पैसे MRF के टायर है। हाँ जी सर, ठीक है, पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है, बॉडी लाइन इसकी ओके है। हाँ जी सर, और नंबर की बात करें तो RJ19 नंबर मिल जाएंगे इसके, जोधपुर के, हाँ जोधपुर के नंबर मिल जाएंगे। और डिमांड डिमांड है किसान भाइयों के लिए दे देंगे हम ये 3,15,000 के अंदर। 3,15,000 के अंदर मात्र देख लीजिए किसान, मात्र 3,15,000 के अंदर आप ट्रैक्टर ले जा सकते हो। लोन वगैरह इसमें करवा देंगे सर। लोन हो जाएगा? बिल्कुल लोन हो जाएगा सर। सर एक चीज ये बताइए, इन दोनों ट्रैक्टर में क्या फर्क है? DI 1035 में हॉर्स पावर का फर्क आता है, वो 39 HP में आता है, ये 42 HP में आता है। खेती के लिए भी ये बेस्ट माना जाता है, लेकिन लोडिंग के लिए ये यानी पावर में थोड़ा ऊंचा है। पावर में ऊंचा है ये सर, पावर में ज्यादा ऊंचा है, 42 HP के अंदर है जी। बेस्ट है लोडिंग के लिए, इससे भी ऊंचे आते हैं, 245 आता है, 72-50 आता है, 52-45 आता है, और भी आते हैं, वो ज्यादा पावर में आते हैं, वो ज्यादा पावर में आते हैं, लेकिन लोडिंग के अंदर सबसे बेस्ट ये माना जाता है। रिप्रिंट तो नहीं ना इस पे? कहीं से रिप्रिंट नहीं है सर, ओरिजिनल ट्रैक्टर है, बॉडी लाइन वगैरह, बोनेट वगैरह, शेप वगैरह कहीं से रिप्रिंट नहीं है सर ये। ठीक है सर, सर इसके बारे में बताइए। 241 सर, ये DI 241 है चोको बोनेट के अंदर। हाँ जी सर, 2014 मॉडल है। हाँ जी सर, टायरों की बात करें तो आगे के टायर भी नए हैं, पीछे के टायर भी नए हैं। हाँ जी सर, और नंबर की बात करें तो इसके RJ21 नंबर है। हाँ जी, और बॉडी लाइन इसकी ओके है, कहीं से रिपेंड नहीं है जी। शेप वगैरह से कहीं से रिपेंड नहीं है जी। शोरूम कंडीशन ट्रैक्टर है जी। और नंबर की बात करें तो इसके RJ21 नंबर बता दिए मैंने आपको, RJ21 नंबर बता दिए। और डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों के लिए दे देंगे हम ये 3,40,000 रुपए में, मात्र 3,40,000 रुपए मात्र। ये लोन हो जाएगा इस पे? लोन इस पे से करवा देंगे, इसमें करीबन 3,20,000 का लोन हम करवा देंगे। 3,20,000 यानी 15-20,000 का डाउन पेमेंट कराना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मामूली सा डाउन पेमेंट कराना पड़ेगा आपको, और बाकी हम इस पे लोन करवा देंगे। किसान का और भी अच्छा सिविल होगा तो और भी कम कराना पड़ेगा? और भी इसमें लोन, अगर सिविल ओके आएगा तो 10-15,000 रुपए उस पे और भी ज्यादा लोन हो जाएगा सर। देख लीजिए किसान भाई, जितने में ट्रैक्टर दिखाए बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर मिलने वाले हैं। जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है, ट्रैक्टर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई छेड़छाड़ मिलेगी ट्रैक्टर में? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सामान लगा हुआ है वही सामान मिलेगा। ऐसे नहीं कि सामान इसमें जो लगा हुआ है हम उतार लेंगे खोल लेंगे, वो चीज़ हम करते नहीं है। जो सामान लगा हुआ है वही सामान मिलेगा इसमें सर। इनमें जो गारंटी की क्या रहेगी भाई, कोई ट्रैक्टर खरीदता किसान भाई कोई दिक्कत आ जाती है जो 1-2 दिन में? हाँ, तो दिक्कत वगैरह आ जाती है तो पहली बात हम रिप्लेस कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात की, डॉक्यूमेंट्स हम ओके दे देते हैं। और कई किसान भाई एग्रीमेंट करवा देते हैं, एग्रीमेंट के लिए बोलते हैं, हम एग्रीमेंट भी करवा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रैक्टर में, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हम रिप्लेस भी कर देते हैं, दूसरा ट्रैक्टर चेंज करके दे देते हैं। ऐसे नहीं है कि किसान भाई यहाँ से लेके गया है फिर उसको मना कर दे भाई जो ट्रैक्टर लेके गया है वही
उसके बदले हम दूसरा ट्रैक्टर नहीं देते भाई, ऐसा व्यवहार रहना चाहिए भाई, ऐसा व्यवहार संतुष्ट हो किसान भाई, संतुष्ट और सेटिस्फाई करके देते हैं, मन में डर नहीं होना चाहिए किसान भाई, हम लेके चले चीज खराब हो जाए। पिछला वीडियो बनाया उससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस गया है, काफी दूर किसान भाई है और काफी खुश होके गए यहाँ से, काफी ट्रैक्टर यहाँ से लेके गए, उसके लिए मैं सर आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मुझे नहीं, हमारे जो किसान भाई उनको धन्यवाद, सर उनको बोलिए धन्यवाद सर, आपका ही है, आपकी वजह से सर किसान भाई आए हैं, जितना भी हम काम करते हैं किसान भाई के लिए करते हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो सर, पूरी अच्छी जानकारी दे ट्रैक्टर के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल सर, जहाँ अच्छा स्टॉक हो वो दिखाए हम किसान भाई को, बहुत ही अच्छा काम कर, ठीक है सर, इसके बारे में बताइए आप। सर ये 2012 मॉडल है, हाँ जी, ये 241 चौका बोनेट के अंदर है, हाँ जी, नंबर की बात करें तो इसके 8 से 19 नंबर मिल जाएंगे, जोधपुर के नंबर मिल जाएंगे, हाँ जी। टायरों की बात करें सर तो टायर इसके पीछे MRF के 50 पैसे है, आगे भी MRF के 50 पैसे है, हाँ जी। बॉडी लाइन सर बिल्कुल ओके है, कहीं से रिपेंड नहीं है, हाँ जी। ट्रैक्टर है जो बिल्कुल ओके है, हाँ जी। रिपेंड वगैरह कहीं शिकायत नहीं है। इंजन की बात करें तो इंजन इसका 70-80 पैसे है, हाँ जी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी इंजन के अंदर, इंजन में तो कोई से भी ट्रैक्टर दिखाएं किसी में दिक्कत नहीं आएगी, किसी में दिक्कत नहीं, कोई से ट्रैक्टर में दिखाएं, जितने भी हम पहली बात खराब इंजन के खत्म इंजन के हम ट्रैक्टर पहली बात लाते ही नहीं है, पहले आपको जो चेक करके लाते हो, चेक करके लाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके लाते हैं, बिना खर्चे के ट्रैक्टर लेके जाते हैं। किसान भाई इसमें ले जाएगा तो 1 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं है इस ट्रैक्टर के अंदर, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, इंजन वगैरह ऑयल पल्टी वगैरह जो भी इसके साथ सब चेंज कराया हुआ है इस ट्रैक्टर के अंदर, और 1 रुपये का भी खर्चा नहीं करने पड़ेगा किसान भाइयों को। अगर आप चीज अच्छी जाती हो तो दोबारा आता है, जब भी जुड़ता है हमसे, हमारे एजेंसी से जब भी जुड़ता है किसान भाई, वहाँ चीज अच्छी मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी डिमांड क्या होता है आपने? सर ये दे देंगे किसान भाइयों को 3 लाख रुपए के अंदर 12 मॉडल, मात्र 3 लाख में, मात्र 3 लाख। लोन की सुविधा सभी भाई, लोन सुविधा सारे डेली किसान भाई, मात्र 3 लाख के अंदर ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, जो ट्रैक्टर दिखा रहे वो मिलने वाला है, कोई छेड़छाड़ नहीं मिलेगी, वो पूरी गारंटी आज मिलेगा ट्रैक्टर यहाँ पे, और कोई दिक्कत भी होती है तो आप एक्सचेंज भी करा सकते हैं, एक्सचेंज कर देंगे जो भी है, चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं भाई, कई किसान भाई है जो पुराने ट्रैक्टर लेके आते हैं, हाँ जी, उनको नया ट्रैक्टर भी जरूरत पड़ती है, तो हम वो एक्सचेंज ऑफर भी रखते हैं कि पुराना ट्रैक्टर लेके आओ, नया ट्रैक्टर ले जाओ, वो भी ऑफर रखते हैं सर, को नीचा मॉडल बड़ा ऊंचा मॉडल ले जाना चाहता है तो ऊंचा मॉडल भी ले जा सकता है, ऐसे नहीं है कि हम कई रहते हैं ट्रैक्टर मंडी वाले कि जो एक्सचेंज नहीं करते, नहीं करते, तो हम वो सुविधा भी रखते हैं कि पुराना ट्रैक्टर जैसे किसी के पास मेसी है, नॉन DI है, वो भी हम ले लेते हैं, उसके पलटे DI दे देते हैं, कई नीचे मॉडल लेके हैं जैसे 92-93 मॉडल है, वो पलटे में उसके पलटे में हम नया ट्रैक्टर दे देते हैं, सारी सुविधा किसान भाइयों के लिए, सारी सुविधा और सुविधाएं किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर यहाँ पे एक बार आ जाइए, कागज से लेके लोन से लेके किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल संतुष्ट होकर जाइए यहाँ से, व्यवहार आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है सर। इनके बारे में बताइए, ओल्ड ट्रैक्टर के बारे में। ये सर जैसे जो कम खेती वाले हैं, हाँ जी, किसान भाई उनके लिए ये ट्रैक्टर है, कम बजट के अंदर बढ़िया ट्रैक्टर है, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड आती है, जो 1990 से लेके 2000 मॉडल मार्केट जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 6-7-8 जो ट्रैक्टर है उनका मार्केट बहुत जाता है, वैसे जो नीचे मॉडल है 97-98-99-95 इनके भी सर बहुत ज्यादा मार्केट है इसी के अंदर सर, और जो कम खेती वाले किसान भाई है उनके लिए ये ट्रैक्टर बहुत सही है, कम बजट के अंदर बेस्ट ट्रैक्टर है सर। इसकी मॉडल कौन सा बताया सर? ये मॉडल मिलेगा 1992 मॉडल मिलेगा सर। ये डिमांड क्या है इसकी? डिमांड की बात करें तो सर ये दे देंगे 1,45,000 के अंदर दे देंगे, 1,45,000 छोटी RC स्मार्ट कार्ड RC इसकी सर, टायर भी इसके करीबन 80-90 पैसे ओरिजिनल टायर है, और बॉडी लाइन ओके, कहीं से रिपेंट नहीं है, जो है पूरा ओरिजिनल है, पूरा सामान लगा हुआ है, 1,45,000 के अंदर हम किसान भाई को दे देंगे, 1,45,000 1,45,000 और बॉडी कलर ओरिजिनल है, कोई नहीं, कोई रिपेंट नहीं, रिपेंट नहीं है सर, बॉडी लाइन बिल्कुल ओके है। इंजन की बात करें तो 70-80 पैसे इसका इंजन मिलेगा सर, 70-80 पैसे से कम इंजन मिलेगा, ट्रैक्टर हम वापस ले लेंगे। देख लो किसान भाई क्या चाहिए, अगर आपके मन में डर भी होगी भाई पुराना ट्रैक्टर इंजन कम होगा, आप आराम से चेक कराइए, मिस्त्री को लेके आइए, फिर चेक कराइए, लेके आइए और एक बार चलाइए, दो बार चलाइए, 10 बार चलाइए, जब तक आपका मन नहीं भरे जब तक आप चलाइए, और जब आपका सेटिस्फाई हो जाए जब आप ट्रैक्टर खरीद के ले जाइए। ले किसान भाई बिल्कुल बिना डर के यहाँ पे आइए, मन में कोई डर मत रखिए, आप घर जैसा व्यवहार मिलेगा यहाँ पे सर। और इसकी बात करते हैं, ये 2006 मॉडल है, हाँ जी, इनका मार्केट मैंने बताया बहुत ज्यादा है, हाँ जी, नंबर की बात करें तो 8J26 नंबर इसके टोंके नंबर है, हाँ जी, ठीक है। टायरों की बात करें तो पिछले MRF के टायर है 80 पैसे, और आगे के भी MRF के टायर है 80 पैसे, हाँ जी। बॉडी लाइन इसकी बिल्कुल ओके है, इसका पूरा काम कराया हुआ, इंजन वगैरह लिफ्ट वगैरह जो भी इसका काम था पूरा काम ओके, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। ये जो पपड़ी शिकायत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जो 2, 3, 4, 5, 6 मॉडल है ना, इन्हें पपड़ी थोड़ी बहुत शिकायत आई थी, थोड़ी बहुत शिकायत पपड़ी की, और
इंजन में देखने की जरूरत नहीं है, बॉडी लाइन इसकी ओके है। हाँ जी सर। और डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों को हम दे देंगे 260,000 के अंदर सर, ये 260,000 छोटी आरसी, छोटी आरसी बिल्कुल सर। ट्रैक्टर बिल्कुल ओरिजिनल है सर, एक रुपए का भी खर्चा नहीं मिलेगा सर ट्रैक्टर के अंदर। और ट्रैक्टर में अगर कोई खर्चा लगे वो खर्चा हम देंगे इसके अंदर, इतनी गारंटी इस ट्रैक्टर की। देख लीजिए हमें आपको फिर चाहिए क्या, और पूरी गारंटी ले रहे हैं फिर बिल्कुल, बिना डर के यहाँ पे आइए और ट्रैक्टर ले जाइए आप तो बिना सोच समझे। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है तो इसके बारे में बताइए। ये सर 2004 मॉडल है। हाँ जी। इसमें पपड़ी थोड़ी बहुत शिकायत मिलेगी सर। नंबर की बात करें तो इसके 8J19 नंबर है, जोधपुर की नंबर है। हाँ जी। और कागज की बात करें तो इसके 8C रिन्यू है, 2026 तक वैलिड है। हाँ जी। टायरों की बात करें तो करीबन 60 पैसे पीछे MRF के टायर है। हाँ जी। आगे की टायर करें तो करीबन 40 पैसे MRF के टायर है। हाँ जी। ठीक है। इंजन की बात करें तो सर इसका इंजन ओके है, इसे रिपेंड नहीं है ट्रैक्टर, थोड़ी बहुत पपड़ी शिकायत है। हाँ जी। वो शिकायत मिलेगी। और किसान भाइयों को हम दे देंगे ये 2,30,000 के अंदर रिन्यू डायरी। 2,30,000 में रिन्यू डायरी, विद रिन्यू डायरी। रिन्यू वो कितने तक है? 25 से 26 तक वैलिड है सर ये। 25 से 26। कई किसान भाई है जो बिना रिन्यू के पसंद करते हैं, तो बिना रिन्यू के भी हमारे पास ट्रैक्टर है। और कई किसान भाई है जो रिन्यू के चाहते हैं डायरी वगैरह, तो वो रिन्यू के लिए हमारे पास ट्रैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। 2004 मॉडल है, बेस्ट ट्रैक्टर है, एक रुपए का खर्चा नहीं मिलेगा ट्रैक्टर के अंदर। हाँ जी। और 2,30,000 के अंदर किसान भाइयों को दे देंगे। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए आप। सर ये 2002 मॉडल है। हाँ जी। कोई शिकायत इसमें भी मिलेगी सर? हाँ जी। बॉडी लाइन इसकी ओके है, कहीं से रिपेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ जी। और पूरा सामान लगा हुआ है सर। हाँ जी। ठीक है। नंबर की बात करें तो 8J11 नंबर धौलपुर की मिलेंगी इसके। हाँ जी। और टायरों की बात करें तो पिछले टायर करीबन 20-30 पैसे है। हाँ जी। जो टायर है वो आपके सामने है, आगे के टायर है वो भी 30 पैसे समथिंग टायर है। हाँ जी। रिमें में सब बिल्कुल ओके है, कहीं से गलावट नहीं है। हाँ जी। और 8J11 नंबर मैंने इसके बता दिए धौलपुर के, और ये दे देंगे हम किसान भाइयों को 1,85,000 के अंदर दे देंगे। 1,85,000 के अंदर मात्र 2002 मॉडल। 2000 पूरे जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर इससे सस्ता ट्रैक्टर कोई नहीं देगा आपको इस कंडीशन में। इंजन में कहीं दिक्कत आए उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है इसके अंदर। किसान गारंटी हम क्या लेंगे आप, इंजन से ही होता है सब कुछ होता है। और क्या सर, पूरी गारंटी डिपेंड रहते हैं। बिल्कुल डेली किसान में पूरी वारंटी मिल रही है, आपको गारंटी मिल रही है यहाँ पे। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए आप। ये सर 1999 मॉडल है। हाँ जी। इनका भी बहुत ज़्यादा मार्केट है, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ जी। और बॉडी लाइन पूरी ओके है। हाँ जी। बोनेट है, अमरगार्ड है, बिल्कुल ओके है, कहीं से रिपेंट वगैरह नहीं है इसके अंदर। हाँ जी। टायरों की बात करें तो 30-40 पैसे टायर है इसके। हाँ जी। आगे के भी करीबन 20-30 पैसे टायर है। हाँ जी। सामान पूरा लगा हुआ, बम्पर से लेके छतरी और प्लेट वगैरह पार्टियाँ वगैरह जो भी सामान है पूरा सामान लगा हुआ है। हाँ जी। 1999 मॉडल है, 8J28 नंबर 12 के नंबर मिलेंगे इसके अंदर। हाँ जी सर। टायर इसकी रिन्यू है, 2026 तक वैलिड है इसकी। हाँ जी सर। और 1 रुपए का खर्चा नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। हाँ जी। किसान भाइयों को हम दे देंगे मात्र 1,80,000 के अंदर पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर। 1,80,000 के अंदर रिन्यू डायरी, विद रिन्यू डायरी सर। रिन्यू डायरी मिलेगी, रिन्यू डायरी मिलेगी सर। 1 रुपए का खर्चा नहीं है ट्रैक्टर में, 1 रुपए का खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी है। इंजन, इंजन इसका करीबन 70 से 80 पैसे सर, इससे कम नहीं मिलेगा इंजन इसका। इंजन ओके सर इसका। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए फिर आप। सर ये 1997 मॉडल है। हाँ जी। नंबर की बात करें तो 8J26 नंबर मिलेंगे, टोंक के नंबर मिलेंगे। हाँ जी सर। बोनेट की बात करें तो कहीं से रिपेंड नहीं है, थोड़ी बहुत है, गलावट नहीं है, ये ऐसे है। हाँ जी। वेल्डिंग हो रखी है। हाँ जी। अमरगार्ड इसके ओके हैं। हाँ जी। बॉडी लाइन इसकी ओके है। नंबर की बात करें तो नंबर 8J26 बता दिए। टायरों की बात करें करीबन 30-40 पैसे टायर है पीछे के। हाँ जी। आगे के बिल्कुल नए टायर है। हाँ जी। और डिमांड की बात करें, हाँ जी, डिमांड इसकी है किसान भाइयों को हम दे देंगे 1,70,000 के अंदर। 1,70,000 के अंदर मार्क मात्र। हाँ जी। 1 रुपए खर्चा नहीं है। इंजन भी करीबन 60-70 पैसे है। हाँ जी। इससे कम इंजन आपको मिलेगा नहीं, पूरा सामान लगा हुआ है इसमें। हाँ जी। बम्पर छतरी ग्रेट पार्टियाँ जो भी सामान है पूरा सामान लगा हुआ है। देख लीजिए किसान भाइयों, पूरे ट्रैक्टर में चेकआउट करा दीजिए, जितने ट्रैक्टर है और अंदर से थोड़ी है कोई आपके पास स्टॉक। अंदर भी स्टॉक है सर, करीबन 5-10 ट्रैक्टर और भी अंदर है अपने पास ट्रैक्टर है। अंदर की भी दिखा देते हैं फिर। अंदर भी सर आपको दिखा देंगे। चलो अंदर की दिखाते हैं। आपके पास जीप भी खड़ी है ना? जीप भी है सर, और गल्टी भी अपने पास, हल और टैंकर ट्रॉली वगैरह जो भी है, एरा वगैरह सारे सर हम रखते हैं सर। अभी तो नहीं है ट्रॉली। ट्रॉली सर आपकी जो पिछली वीडियो में लेके आए थे किसान भाई, वो लेके चले गए थे, निकल गई थी। हाँ वो। ठीक है सर,
ये है ओल्ड मैसेज की बहुत डिमांड आती है इसकी भी सर, काफी किसान भाई है जो जिनकी कम खेती है, कम खेती हुआ उनके लिए ये बेस्ट है, कम बजट के अंदर है और पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है, रिपेंट वगैरह कहीं से नहीं है, बॉडी लाइन इसकी ओके है, टायर इसके बिल पीछे के खत्म है, 10-20 पैसे खत्म बराबर है, सामान पूरा लगा हुआ है जी। और डिमांड की बात करें तो ये 65,000 के अंदर हम दे देंगे किसान भाई, मात्र 65,000 के अंदर, यानी कि कबाड़ के भाव बिक जाता है 35-40,000, कबाड़ी के भाव में ही दे रहे हैं ट्रैक्टर ये किसान भाइयों के लिए। इंजन इसका ओके है, इंजन में कहीं भी गड़बड़ नहीं है इसके, 50-60 पैसे इसका इंजन मिलेगा। तो देख लीजिए किसान भाई, कबाड़ के भाव आपको ट्रैक्टर मिल रहा है, देख लीजिए बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अगर आप आपके पास अगर बजट कम हो या खेती कम हो, तो वो बड़ी आसानी खरीद सकता है, नहीं आती इस भाव में सर, आप जानते हो सर। तो इसके बारे में बता दीजिए आप सर, ये 1990 मॉडल है, हाँ जी, नॉन DIMAC है, हाँ जी, पूरा सामान लगा हुआ है, हाँ जी। टायरों की बात करें तो पीछे के जो टायर है, हाँ जी, बिल्कुल नया है, लेकिन रिमोट टायर है, रिमोट टायर है, रिमोट है सर, बिल्कुल अपोलो के बनाए हुए, करीबन 15-16,000 के भी टायर आते हैं, आगे के भी सर इसके रिमोट टायर है, हमारा भी टायर है, बॉडी लाइन इंजन गियर पेटी का सब ओके ट्रैक्टर है, कहीं से तो 1 रुपए का खर्चा नहीं है। डिमांड क्या है इसकी? डिमांड किसान भाइयों को दे देंगे 85,000 के अंदर, 85,000। टायर बिल्कुल नए हैं इसमें? बिल्कुल नए टायर है सर, पूरा सामान लगा हुआ है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है ट्रैक्टर के अंदर, हाँ जी, और 85,000 के अंदर दे देंगे मात्र। यानी आप पूरे ट्रैक्टर कबाड़ के भाव बेच रहे हो? कबाड़ के भाव बेच रहे हैं सर, अब किसान भाइयों को सारी सुविधा रखनी पड़ती है, कम किसान जो कम खेती वाले किसान भाई है, हाँ जी हाँ जी, वो नॉन DIMAC ले जाते हैं सर, उनको रखना पड़ता है सर। यानी कि आप सभी किसान भाइयों का ध्यान रखते हो? बिल्कुल सर, रखना पड़ता है सर। कम बजट का भी लेने वाला हो या हाई बजट का भी लेने वाला? हाई बजट का भी हो सर। ठीक है सर, मॉडल रखते हैं सर। इसके बारे में बताइए आप। ये सर 2003 मॉडल है, हाँ जी, पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है, पब्लिक शिकायत इस पर मिलेगी सर, बॉडी लाइन इसका कहीं से रिपेंट नहीं है, बॉडी लाइन में अमर गार्ड ओके है, पूरा सामान लगा हुआ है, प्लेट से लेके छतरी पार्ट का पूरा सामान लगा हुआ है। टायरों की बात करो तो 40 पैसे पीछे के टायर है, हाँ जी, आगे के 50 पैसे टायर है, हाँ जी, 8 से 11 नंबर मिलेंगे, धौलपुर के नंबर मिलेंगे, हाँ जी। और डिमांड की बात करें तो ये मात्र 2,05,000 में दे देंगे किसान, 2,05,000, 2,05,000 के अंदर दे देंगे। और नंबर कहाँ के इसके? 8 से 11 धौलपुर के मिलेंगे, धौलपुर के नंबर मिलेंगे। डेली किसान भाई हो? बॉडी लाइन इंजन का सर ओके है, 1 रुपए खर्चा नहीं इस ट्रैक्टर के अंदर, किसान भाई अगर ले जाएगा ना तो याद रखेगा सर ट्रैक्टर को, दोबारा से आपके पास ही आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल 1 रुपए खर्चा नहीं है सर इसमें, क्या है, और 2,05,000 में सर क्या आता है सर, 2003 मॉडल है सर, अच्छा है। ठीक है, उसके बारे में बताइए अब सर। ये 1997-98 मॉडल है, हाँ जी, और पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर है, हाँ जी, कहीं से रिपेंट वगैरह नहीं है, हाँ जी, और पहली बात हम रिपेंट वाले ट्रैक्टर हम खुद ही नहीं लाते, हाँ जी, और बॉडी लाइन वगैरह इसकी ओके है, हाँ जी, टायर इसके रिमोट है लेकिन अपोलो के ओरिजिनल बनाए हुए हैं, हाँ जी, आगे के भी इसके है ओरिजिनल टायर है। जो भी बात मैं सामने स्पष्ट बोल देता हूँ कि टायर जो रिमोट जो है, हाँ, किसान भाई जो ट्रैक्टर वीडियो देख के आते हैं वो बोलते हैं यार तुमने बताया बताया क्या निकला, हाँ, क्या निकला क्या, तो इस वजह से मैं जो भी बात है वो सामने बोल देता हूँ, इसके टायर रिमोट है, हाँ जी, इंजन इसको देखने की जरूरत नहीं है, 70-80 पैसे इसका इंजन मिलेगा, हाँ, सामान पूरा लगा हुआ है, हाँ जी, और नंबर की बात करें तो इसके नंबर 8J21 है, 8J21 नंबर इसके हैं, इंजन गियर पेटी का ओके सर, और डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों को दे देंगे 1,70,000 के अंदर ही, 1,70,000, 1,70,000 के अंदर, और वो किसान भाई का मान सम्मान तो रखा जाएगा, मान सम्मान रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा सर। वो जीप के बारे में बताइए आप, जीप आओ सर, जीप के बारे में बताइए आप, इसकी भी डिमांड आती रहती है किसान भाई, काफी, यानी कि दूध के अंदर इसके लिए यूज में लेते हैं, बिल्कुल सर। मॉडल की बात करें तो सर ये 1992 मॉडल है, हाँ जी, DI है, हाँ जी, और इसके अंदर मेजर की बॉडी है सर, मेजर की बॉडी, मेजर की बॉडी रखवाई हुई है सर, हाँ जी। नंबर की बात करें तो 8J23 नंबर है, सिक्कर के नंबर है, हाँ जी। टायरों की बात करें तो पीछे के टायर बिल्कुल नए हैं, ओरिजिनल है, हाँ जी। और आगे के टायर इसके करीबन 30-40 पैसे टायर है, 20-30 मान लो, हाँ जी। और डायरी की बात करें तो इसकी डायरी रिन्यू है, 2025 तक वैलिड है, 24 से 25 तक वैलिड है, और इंजन ओके है ये, इंजन विंजन में इसको देखने की जरूरत नहीं है, हाँ जी। और डिमांड की बात करें नहीं, तो किलोमीटर भी बता दो एक बार किसान भाई, किलोमीटर सर इसका, किलोमीटर ये मान लीजिए 1,20,000-30,000 की समथिंग चली हुई है, हाँ जी, जी। और डिमांड की बात करें तो किसान भाइयों को हम दे देंगे 1,25,000 के अंदर सर, ये 1,25,000 के अंदर सर, एक बाइक नहीं आती उसमें तो हम सर एक जीप दे रहे हैं, वो मेजर की बॉडी है सर, DI के अंदर मेजर की बॉडी है, टायर इसके नए हैं, हाँ जी, और 8 से इसकी वैलिड है 2025 तक, हाँ जी, मात्र 1,25,000 में दे देंगे किसान, कोई
डेंट पेंट तो नहीं है, कहीं से डेंट पेंट नहीं है, जो है पूरा ओरिजिनल ओरिजिनल है, ओरिजिनल है सर। डेली किसान भाई अगर आप बोलते रहते हो कोई जीप दिखाइए, जीप ही दिखा दिए सर कई बार आप। कल्टीवेटर के बारे में बता दिया, कल्टीवेटर है सर, कल्टीवेटर है ब्रह्मपुरी की कल्टीवेटर है। हाँ जी, जो है आपके सामने है। हाँ जी, डिमांड की बात करें हाँ जी, तो ये 14,000 के अंदर हम दे देंगे कल्टीवेटर, 14,000 में कल्टीवेटर दे देंगे। 10-11,000 में तो उसको कबाड़ी भी ले जाते हैं, कोई नुकसान का सौदा नहीं है इसके अंदर। और कई किसान भाई कल्टीवेटर की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए कल्टीवेटर भी हम रखे हैं इस बार। इसलिए किसान भाई आपके लिए पूरे ऑप्शन है यहाँ पे, पूरे ऑप्शन है, ट्रॉली ले लो, कल्टीवेटर ले लो, ट्रैक्टर ले लो, जीप लो, सब मिलते हैं यहाँ वगैरह, सब रखते हैं, सब रखते हैं। तो किसान भाई मैंने वीडियो में पूरे ट्रैक्टर को चेकआउट कर दिया है, जितने भी ट्रैक्टर आपको मिलने वाले हैं कंपनी प्रिपेयर्ड मिलने वाले हैं, ट्रैक्टर में कोई इशू नहीं है, बॉडी से लेकर इंजन तक कोई इशू नहीं मिलने वाला है। कल्टीवेटर भी आपको मिल जाएगा, जीप भी आपको यहाँ मिल जाएगी और ट्रॉली भी यहाँ मिल जाती है। आगे आपको और भी अच्छा स्टॉक मिलने वाला है यहाँ पे, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों और किसान भाई जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी डिमांड के अनुसार मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सर सर आपका एड्रेस बता दिया सर, एड्रेस यहाँ का पड़ेगा सर, वाटिका रिंग रोड सांगाने जयपुर राजस्थान जी सर। और किसान भाई जी इनके नंबर में वीडियो के अंदर दे दूंगा, आप इनसे डिस्क्रिप्शन के बजाय सर जो वीडियो के एंड में ना आप वो नंबर दे दीजिए। किसान भाई कई बार नंबर परेशान हो जाते हैं, कई बार मेरे को फोन करते हैं सर आपके नंबर नहीं मिलते, वीडियो के एंड में आप नंबर दे देना। जो आप एक बार बोल ही दो आपके ऑफिशियल नंबर है सर, ऑफिशियल नंबर आप मेरे हैं 6378102942 जी, एक बार और बोल दीजिए 6378102942। डेली किसान भाई इन नंबरों पर आप कॉल करके या आप इनकी एजेंसी पे आ सकते हो, ट्रैक्टर को अच्छे चला के चेकआउट करके अगर आपको पसंद आता तो ये ट्रैक्टर खरीदिए। आप अपने साथ मिस्त्री भी ला सकते हो, उनको अच्छे चेक कराइए, अगर आपको लगता है ट्रैक्टर अच्छा है तो लेके जाइए, और वारंटी भी है, अगर आपको कोई इशू लगता है तो आप चेंज भी करा सकते हैं, लगता है तो भी हम ट्रैक्टर को रिप्लेस कर देंगे। और ट्रैक्टर आपका जब मन भरे जब आप ट्रैक्टर खरीद के ले जाइए, और घर जैसा आपको यहाँ पे व्यवहार मिलेगा, कोई चिटिंग नहीं मिलेगी, कागज वगैरह जो आपको ओके मिलेंगे, और जो कंडीशन मैंने आपको बताई उसी कंडीशन में यहाँ पे ट्रैक्टर मिलेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं मिलेगी। और जो नंबर है वो मैंने बता दिया ट्रैक्टरों के, लोन वगैरह का है जो मैंने लोन वगैरह मैं आपको करवा दूंगा, सारे बैंकों से हमारा टाई अप है, और कम से कम और मिनिमम ब्याज में आपका लोन मैं करवा दूंगा सर। डेली किसान भाई एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान। धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम निकाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद।